नमस्कार, मेरे पॉडकास्ट चैनल पर आपका स्वागत है। लिसन विद इरफान नाम के इस चैनल को अभी तक मैं अपने सुख के लिए चला रहा हूँ, जिसमें ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ सुख जरूर मिलता है। इस चैनल को एक रेगुलर इंटरवल पर अपडेट करने के लिए जितना समय और जितनी ऊर्जा और संसाधन लगाने की जरूरत है, उसके लिए न तो मेरे पास कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है और न कोई जमा पूंजी है। इसलिए अगर आपको ये किसी भी तरह का सुख पहुंचा रहा है तो इसके लिए आपके सहयोग की बेहद ज़रूरत है। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट सपोर्ट या इंस्टीट्यूशनल हेल्प लूँ तो उनके विजन और एजेंडा को फॉलो करना होगा, जिससे इस चैनल का रूप वैसा नहीं रहेगा जैसा वो आज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे बैंक डिटेल्स और पेपाल, पैट्रियन और गूगल पे की डिटेल्स हैं, जहाँ जाकर आप अपनी मर्जी के मुताबिक आर्थिक सहयोग मुझे भेज सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद मुझे मन का काम करते रहने का उत्साह देगी। धन्यवाद। हुआ क्या कि मैं जब दिनमान का फाइनली एक पोस्टिंग लेटर लेकर वापस जब मैं आ रहा था ट्रेन से बम्बई से दिल्ली, तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे। उनसे बात होने लगी। जैसे भारत में तो आप अकेले तो कैसे ही हो, आपसे कोई भी अजनबी बात करना शुरू कर देता है। तो एक युवक मेरे साथ बैठा था, उसने कहा कि भाई मैं एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, और लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा वहाँ होगा नहीं। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं? कहा कि ये उन्होंने मुझे किराया दिया आने का, तो इस बहाने में दिल्ली हो आऊँगा, लेकिन मेरा इसलिए नहीं होगा कि मैं किसी को जानता नहीं और भारत में जॉब ऐसे नहीं मिलता है। लेकिन मैं एक विज्ञापन मैंने देखा है BBC का, और वहाँ पर तो सब मेरिट से होता है, तो वहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और इत्तफाक से वो भी एक छोटा मोटा पत्रकार ही था, तो ये बात आई गई हो गई। तो मैं दिनमान ज्वाइन किया। मैं कोई स्टोरी के लिए कुछ रिसर्च कर रहा था लाइब्रेरी में। उस ज़माने में कोई इंटरनेट और गूगल तो होते नहीं थे, तो आप अपने आप पुराने अखबारों की फाइल देखकर, तो उस स्टोरी के रिसर्च करते करते मैंने वो विज्ञापन देखा। वही फिर मुझे याद आया कि ये तो इन्होंने मुझे कहा था। तो मैंने कहा मैं तो अभी जो है, मुझे ये BBC का मतलब है तो बहुत ही सीनियर लोगों के लिए होगा, और जो है हालांकि वो जो युवक मिला था वो मेरी उम्र का है, लेकिन कहाँ ये, कहाँ हम और कहाँ BBC में काम करने वाले सीनियर लोग उस तरह से। तो मैंने ये किया कि मैंने खुद और एक मेरे मित्र थे दिल्ली में, हम दोनों साथ शाम बिताते थे अपनी, तो हमने दोनों ने अप्लाई किया। और ऐसे ही सोचा, उसकी डेट निकलने वाली थी, तो कल वल डेट निकल रही, तो जल्दी मैं फॉर्म भरा, और उसके साथ एक कोई आपको एक कुछ पीस लिखना था जो हमने उसके साथ अटैच कर दिया। तो उसके कोई 15-1 दिन के बाद में मेरे जो दूसरे साथी थे उनके पास में रिजेक्शन लेटर आ गया। मैंने कहा कि मैं जमुना पार में रहता हूँ, तो वहाँ डाक वाक में खो गया होगा मेरा रिजेक्शन लेटर, हमें कहाँ। फिर पता चला 1 महीने के बाद में मेरे पास उसका पहली छंटनी में मुझे उन्होंने ले लिया कि भाव आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया है। तो रिटर्न टेस्ट के लिए उसमें कहा कि आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाएंगे, पहली छंटनी में आपका आ गया है। तो मैं उसके बाद कोई बुलाया नहीं, तो फिर मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप था, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी 79 में। उस हड़ताल के दौरान बहुत सारी मेल मिली नहीं, जब हड़ताल टूटी तो पुरानी मेल मिली, तो उसमें वो BBC की चिट्ठी थी कि आपको जो है इस तारीख को अपना एक पेपर आपको भेजना है, और उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह होगा। तो उसकी डेट निकल चुकी थी 3 दिन पहले। ने कहा कि ये तो जो मेरे साथी दिनमान में, मैं सबसे छोटा था उम्र में, तो बड़ा मुझे एनकरेज करते थे, कहा कि नहीं नरेश, तुम जाके BBC के ऑफिस में अप्लाई, बात करो, यहाँ पर निज़ामुद्दीन में ऑफिस है और जाके बात करो। तुम्हें गया बात करने वहाँ पर, तो वहाँ पर सतीश जेकब से मैं मिला। सतीश जेकब इत्तफाक से उसी स्कूल में पढ़े थे जिसमें मैं पढ़ा था, उनसे बात करने लगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आज ही एक टेलीग्राम भेज देता हूँ वहाँ पर,
उस ज़माने में टेलीग्राम होता था, टेलीग्राम भेज दिया उन्होंने और कहा कि उसके बाद तुम्हारा जवाब आ जाएगा, अगर वो चाहेंगे तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। तो मैं फिर उसको भूल गया, लेकिन अगले ही दिन मेरे पास लंदन से टेलीग्राम दिनमान के ऑफिस में था, अब पहुंच गया, कहा कि इन व्यू ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन योर केस प्लीज़ सेंड योर पेपर्स इमीडिएटली। उन्होंने कहा कि उसमें कोई डेट दी कि अगले 4 दिन में या 5 दिन में आप भेज दीजिए, तो मैंने भेज दिए साहब। उसे भेजने के बाद उन्होंने फिर मुझे रिटर्न टेस्ट के लिए उसको उस पीढ़ी को पार कर, तो रिटर्न टेस्ट हो गया। तो रिटर्न टेस्ट के बाद उस एक ऑडिशन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद में फिर वही हुआ कि पता चला कि फिर कि वो आ गई कि भैया आपका ऑल्दो योर पेपर्स योर परफॉर्मेंस वो सेटिस्फैक्ट्री वी हैवंट गॉट एनी जॉब एट द मोमेंट, इफ़ एनी वैकेंसी अराइजेज इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और ईयर देन विल कॉन्टैक्ट यू।